हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स मंत्रा। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7, ये क्लास 3 की बुक एक्सरसाइज 7 है, चैप्टर 4 एडिशन। सो इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस हैं वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगी। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7। देखिए इसमें क्या है, इसमें है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का मतलब ये है कि व्हेन वी एडेड ज़ीरो इन अ नंबर देन द सम इज़ द नंबर इट्सेल्फ। बोलने का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो उसका आंसर वो नंबर इट्सेल्फ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या दे रखा है, 319 प्लस 0 मीन्स 319 में हम 0 को ऐड कर रहे हैं। तो जब 319 में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 319 ही आएगा। ओके, बिकॉज मैंने ये प्रॉपर्टी बताई, व्हेन 0 इज़ एडेड टू अ नंबर द सम इज़ द नंबर इट्सेल्फ। ठीक है, जो जब आप 0 को किसी नंबर में ऐड करते हो तो जो सम आता है वो नंबर इट्सेल्फ आता है। तो आप देखिए, 319 में हमने 0 को ऐड किया तो हमारा जो सम आया वो नंबर इट्सेल्फ आया, मीन्स 319 ही सम आया। तो जब भी आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वो नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या कुछ भी होगा, ठीक है, तो वही नंबर जो है वो उसका सम आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 0 प्लस 435, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब 0 प्लस 435 करेंगे, चाहे 0 को 435 में प्लस कर लो चाहे 435 में 0 को ऐड कर लो, एक ही बात है। तो जब भी हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो आपको पता है जो सम आता है वो नंबर इटसेल्फ आता है। तो 0 में 435 ऐड किए तो मतलब 435। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे 435 है उसमें 0 ऐड कर रहे हो, तो आप इस तरीके से ऐड करके देख लीजिए, जैसे आप एडिशन करते हो, 5 में 0 ऐड करोगे 5, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 एज इट इज़ हम सम में लिखेंगे, और 4 के नीचे प्लस है सो 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो देखिए 435 में जब हमने 0 को ऐड किया, इस वे से जब ऐड किया इसको हमने कॉलम में जब लिख के, तो भी हमारा जो सम आया वो 435 ही आया। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या दे रखा है, डैश प्लस 0। देखिए ये डैश का मतलब है कि इसमें आप क्या ऐड करेंगे, अगर 0 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपका आंसर 1357 आ जाए। तो आपको प्रॉपर्टी का ऑलरेडी पता है कि आप 0 में किसी नंबर को ऐड करते हो तो उसका सम इट्सेल्फ आता है। तो आप देख रहे हैं कि नंबर इट्सेल्फ जो सम आता है वही नंबर हमारा इस फिलअप में फिल होगा, 1357। देखिए 1357 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो हमारा सम यही आता है 1357। तो कहीं भी आपको 0 दिख जाए और साथ में डैश दिखे तो जो आपका सम होगा वही आपने उस बॉक्स में फिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 300 प्लस 4, देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी है कि व्हेन वन इज़ एडेड टू अ नंबर द सम इज़ द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। जब भी हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो सक्सेसर होता है उस नंबर का। देखिए 300 का अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ 300, तो आप बताएंगे 301। तो जो 301 आया वो कैसे आया, 300 में आपने 1 ऐड किया। ओके, सो जब भी हम 1 ऐड करते हैं किसी नंबर में तो वो उस नंबर का सक्सेसर होता है। सो 300 में 1 ऐड करेंगे तो 301। देखिए वैसे तो ये सिंपल है एडिशन, बट आपको प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट है देखिए 5th क्वेश्चन, 4 की तरह ही है, 629 प्लस 1, तो जब आप 1 ऐड करोगे 629 में तो आंसर आएगा 630। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश प्लस 1, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, इसमें आप अगर 1 ऐड करते हैं तो आपका आंसर 4238 आना चाहिए। तो इस फिलअप में क्या आएगा,
देखिए, जब ऐसा फिलअप आए कि जो आपका ये है सिक्स्थ क्वेश्चन, ऐसा फिलअप आए कि वन में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 4238 आए, तो आपने प्रिडिसेसर देखना है। तो जो सम में नंबर लिखा होता है उसका प्रिडिसेसर देखना है। तो इसका प्रिडिसेसर होता है 4237। प्रिडिसेसर मतलब एक स्टेप पीछे हटना है। अब देखिए, 4237 में जब आप वन ऐड करेंगे तो आपका आंसर 4238 आएगा। तो ये आप लोगों ने देखना है कि वन में हम क्या ऐड करें। तो वन में हम 4237 ऐड करेंगे, मतलब प्रिडिसेसर ऐड करेंगे जो सम है उसका। ओके, तो ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी एक अलग प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द एडेंड डज नॉट चेंज द सम। बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एडेंड्स को चेंज कर देते हैं, एडेंड्स आपको पता है, अगर 5 में अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं तो 5 एंड 3 आर एडेंड्स। ओके, एंड 5 प्लस 3 कितने होते हैं? 8। सो 8 इज सम। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब इस प्रॉपर्टी में क्या कहा है कि अगर आप ये जो आपके एडेंड है, 5 और 3 आपके एडेंड है, इनका अगर आप प्लेस चेंज कर देते हो, ऑर्डर चेंज कर देते हो, मतलब कि 3 प्लस 5 लिख देते हो। ओके, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 को ऊपर लिख दिया, 5 को नीचे लिख दिया, तब भी सम हमारा 8 ही आएगा। मतलब अगर आप सम में ऑर्डर चेंज करते हो तब भी आपका सम सेम ही आता है। जैसे 5 प्लस 3 किया तो भी 8, 3 प्लस 5 किया तो भी 8। यही प्रॉपर्टी हमारी क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में यूज़ होगी। ओके, सो ये जो आपका 5 प्लस 3 था, इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5, बिकॉज हमारा सम जो है इसका भी सेम है और 3 प्लस 5 का भी सेम है, तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 436 प्लस 307 और इक्वल टू के साइड है 307 प्लस डैश। इस डैश में आप क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे 436 है और 307 है। अब राइट हैंड साइड देखिए, ये जो आपकी है, ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपके लेफ्ट हैंड के साइड है ना ये, और इक्वल टू के इस साइड जो है ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हमारे राइट हैंड की साइड है, इसलिए राइट हैंड साइड है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो राइट हैंड साइड में नहीं है, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड का ही फिलअप फिल करना है। तो हम देख रहे हैं 307 लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, बट 436 लेफ्ट हैंड साइड में है बट राइट हैंड साइड में नहीं है। सो हम इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? 436। तो इस तरह से आपने कंपेयर करना है ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1739 प्लस डैश इज इक्वल टू 500 प्लस 1739। देखिए, ये आपकी राइट हैंड साइड है एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सो अब हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। देखिए, 1739 लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, बट राइट हैंड साइड में 500 है बट लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। सो इस बॉक्स में क्या आएगा? 500। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे तो इस प्रॉपर्टी का आपने यूज़ करना है। ओके, सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।